नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर के बयान का आरएसएस ने किया स्वागत। जयपुर में मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की होगी रैली, ये कहा अशोक गहलोत ने। कर्ज माफी को लेकर मोदी को घेरने की है तैयारी। भीलवाड़ा में कैशियर द्वारा करीब 2.5 करोड़ का गबन, 14 वर्षों से बैंक में था कार्यरत। और अब खबरें विस्तार से। झुंझुनू में किसानों के मसीहा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे पहले अध्यक्ष सरदार हरलाल सिंह की 119वीं जयंती आज उनके पैतृक गांव झुंझुनू के हनुमानपुरा में मनाई गई। सरदार हरलाल सिंह स्मारक समिति के संयोजक राजन चौधरी के संयोजन में हुए कार्यक्रम में पीसीसी के पूर्व चीफ और डॉक्टर चंद्रभान मंडावा, विधायक नरेंद्र कुमार और जिला परिषद सदस्य दिनेश सुंडा मौजूद थे। इस मौके पर वक्ताओं ने उनके द्वारा किसान हित के लिए किए गए कार्यों को बताया और कहा कि उन्होंने हमेशा किसानों की आवाज उठाई। पार्टी से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किसानों के लिए किया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने सरदार हरलाल सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें याद किया। बूंदी में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों और शहर के युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। छात्रों ने बताया कि मकर संक्रांति के चलते खुलेआम चाइनीज मांझे का प्रयोग किया जा रहा है जिससे पक्षियों की जान जा रही है, वहीं आम जन की भी जान को खतरा महसूस हो रहा है। बाजार में बिक रहे चाइनीज मांझे पर रोक लगाई जाए। इस दौरान मंथन पंचोरी, सौरभ दाधीच, दिलीप कुमार, विजय नगर, मनीष सैन, नितेश जांगिड़ सहित छात्र मौजूद रहे। नगर परिषद आयुक्त ने शहर में चाइनीज मांझा और पॉलिथीन थैलियों के उपयोग पर कार्रवाई करने के लिए एक टीम गठित की है जिसमें प्रभारी कनिष्ठ अभियंता जोधराम मीणा और सह प्रभारी विकास गुजर को बनाया है। उक्त अधिकारियों के निर्देशन में मांझा और प्लास्टिक जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कुख्यात दबंग पेशोर अपराधी को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घेराबंदी कर खानपुर तिराहे से धर दबोचा। कुख्यात दबंग अपराधी के पास से पुलिस ने तमंचा कारतूस समेत अल्टो कार बरामद की है। एयरटेल टेक्नीशियन से 45,000 रुपए महीना की रंगदारी की मांग कर रहा था। ये अपराधी के खिलाफ कन्नौज इटावा के कई थानों में मुकदमे दर्ज है। आपको बता दें कि कन्नौज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहन चौधरी को टेलीफोन टावर से 20 मीटर की दूरी पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के पास से एक तमंचा, 4 कारतूस और अल्टो कार बरामद हुई है। मोहित यादव पर 25,000 का इनाम भी था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मोहित यादव पर कन्नौज इटावा के कई स्थानों में लूट, गुंडागर्दी, गैंगस्टर, रंगदारी वसूली, अपहरण, फिरौती जैसे कई मामले, 25 मुकदमे दर्ज है। राजस्थान के बाड़मेर में एक रोचक मामला सामने आया है जिसमें सोमवार रात्रि को ग्रामीण गांव से घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में ऊंट ने ग्राम पंचायत खोकसर पूर्व के गांव केरालिया बेरा में 4 लोगों के ऊपर बैठकर घायल हो गया। लोगों ने जोर जोर से चिल्लाने पर अड़ोस पड़ोस के लोग दौड़ते हुए आए और जान जोखिम में डालकर ऊंट के नीचे दबे चूनाराम पुत्र भक्ताराम जाति जाट को निकाला। रात्रि होने के कारण ऊंट भाग गया। घर के बाहर खड़े केसाराम पुत्र प्रहलाद राम जाति बलियारा को ऊंट ने घायल कर दिया।
परिवार वालों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई और ढाणियों के लोग इकट्ठे होकर कड़ी मशक्कत के बाद ऊंट को काबू में कर पाए और पुलिस को इस जानकारी दी। वहीं पुलिस थाना स्टाफ ने बड़ा ही हादसे पर जवाब मिला कि ऊंट को रखने और व्यवस्था करने के लिए सरकारी कोई बजट नहीं है। साथ ही बताया कि ऊंट को पैरों से बांधकर खुला छोड़ा जाए और अगर ऊंट मर गया तो जेल जाओगे, क्योंकि राजस्थान में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दे रखा है। अब सोचने वाली बात यह है कि ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए ऊंट पर तेज वार भी नहीं कर सकते, यदि ऊंट मर गया तो उनको जेल भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के जियावन थाना में पुलिस द्वारा अवैध धंधों के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के बाद सटोरियों ने सट्टे के धंधे को हाईटेक करते हुए मोबाइल के माध्यम से डिजिटल तरीके से इस अवैध व्यापार का संचालन प्रारंभ कर दिया है। इटार क्षेत्र में सट्टे के खेल को लेकर जियावन पुलिस के पास शिकायतें होती रही है। मुखबिरों ने सूचना दी कि इटार गांव का निवासी धर्मेंद्र कुमार सोनी नामक युवक सट्टे की बुकिंग कर रहा है, जिसके बाद थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और धर्मेंद्र कुमार सोनी, पिता जगदीश प्रसाद सोनी जिसकी उम्र 32 वर्ष, निवासी इटार को 9,980 रुपए नगद, नोकिया कंपनी के मोबाइल जिसकी कीमत 6,000 रुपए मोबाइल और 750 रुपए के साथ पॉकेट डायरी में जिसके सट्टे का विवरण लिखा हुआ था, एक नई होंडा शाइन बाइक बिना रजिस्ट्रेशन की जिसकी कीमत 60,000 रुपए और सट्टा पर्ची के साथ गिरफ्तार किया गया है। थाने में जब धर्मेंद्र कुमार सोनी से पूछताछ की गई तो उसने हाईटेक सट्टे और इस धंधे के सरगना का नाम उजागर कर दिया, जिसे गिरफ्तार करते हुए आरोपी के विरुद्ध जुआ एक्ट आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही में TCI अनिल उपाध्याय, ASI सरनाम सिंह, शैलेंद्र सिंह सहित गठित पुलिस टीम की सराहना भूमिका रही। भरतपुर के रुदावल के निजी कॉलेज बजरंग PG कॉलेज में मंगलवार के दिन विशेष राष्ट्रीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर के कार्यक्रम में अध्यक्षता सेवानिवृत्त गंगाराम के ने की, वहीं मुख्य अतिथि शारीरिक शिक्षक केदारनाथ शर्मा रहे और विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य CR गुजर रहे। इस कार्यक्रम के तहत कन्या भ्रूण हत्या, वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं शिक्षा के महत्व पर बालकों ने अपने विचार रखे। संस्था प्रधान सोहन लाल उपाध्याय ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। शिविर के कार्यक्रम में कार्यक्रम प्रभारी मोहन सिंह, लक्ष्मीकांत पारसर, वीरेंद्र उपाध्याय, कौशल किशोर, हेमंत चौधरी, पंकज पाठक, विजय पाल सहित काफी मात्रा में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में स्थित फतेह सागर तालाब के गऊ घाट में आज एक महिला की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक आज कुछ लोगों को गऊ घाट में एक महिला मृत अवस्था में दिखी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला की शिनाख्त की कोशिश की तो सामने आया कि महिला 50 वर्षीय रेशमी पत्नी बाबूलाल नायक थी, जिसकी शादी चिड़ावा के समीप अड़ूका गांव में हुई थी। वह अपने ससुराल से 20 दिन पहले लापता हुई थी, जिसकी तलाश परिजन कर रहे थे, लेकिन आज सुबह रेशमी की लाश मिली। घटना के बाद ASP नरेश मीणा और DSP ग्रामीण चांदमल भी मौके पर पहुंचे, वहीं FSL और MOB की टीम भी पहुंची, जिन्होंने मौके से साक्ष्य जुटाए। बगड़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बहरोड में एक बार फिर चली गोली, अज्ञात बदमाशों ने पहले गाड़ी में लिफ्ट मांगी और फिर उसके बाद देशी कट्टे से फायर कर दिया। गोली गाड़ी की शीट में लगती हुई गाड़ी चालक जनरल JD सिंह के पिछले हिस्से में लगी, जिससे वह घायल हो गया। वारदात के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल युवक ने बताया कि वह अपने घर गांव भीवाड़ा मुंडावर से बहरोड आ रहा था। बड़ोद के करोड़ा गांव के पास दो युवकों ने लिफ्ट मांगी और गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद उन्होंने देशी कट्टे से मुझे धमकाया, लेकिन मेरे द्वारा विरोध करने पर उसने गोली चला दी। गोली गाड़ी की शीट को चीरती हुई मेरे शरीर के पिछले हिस्से में लग गई। घायल युवक नर बहरोड थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। चूरू के रतनगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्रिकेट सट्टे की बुक चलाते दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कल दोपहर रतनगढ़ के वार्ड संख्या 19 में एक मकान में क्रिकेट पर सट्टे की बुक चलाने की पुलिस को सूचना मिली, जिस पर कार्यवाही करते हुए वार्ड 19 निवासी युधिष्ठिर और रजत को गिरफ्तार कर लिया। उक्त दोनों युवक ऑस्ट्रेलिया में हो रहे बिग बेस मैच 2020 पर करा सट्टा करवा रहे थे। दोनों युवकों के कब्जे से 2,34,000 का हिसाब लिया है। काम में ले रहे उपकरण, दर्जनों मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने 13 RPGO के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में दुनिया में विज्ञान की तरक्की की बात की जाती है, उस विज्ञान की तरक्की संस्कृत भाषा में निहित है। हमारे ऋषियों ने उस समय में जो ग्रंथ लिखे हैं, आज उन ग्रंथों की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। दुनिया के लोग संस्कृत के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़कर नए नए आविष्कार कर रहे हैं, इसलिए आने वाला समय संस्कृत भाषा का होगा। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कंप्यूटर संस्कृत भाषा में बनने जा रहा है। आज नासा में काम करने वाले वैज्ञानिकों को भी 15 दिन संस्कृत भाषा का अध्ययन करवाया जाता है। यह बात चित्तौड़ प्रांत द्वारा आयोजित संस्कृत भाषा बोधन वर्ग के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत बौद्धिक शिक्षण प्रमुख सत्यनारायण कुमावत ने कही। कुमावत ने कहा कि आज दुनिया इस मोड़ पर खड़ी है कि ऐसे समय में संस्कृत भाषा ही दुनिया को सही मार्ग दिखा सकती है। विश्व कल्याण की भावना संस्कृत भाषा में निहित है। जोधपुर में नया साल आने के आगमन पर नई सोच, नई उमंग और उत्साह के साथ लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने नए साल पर लूणी के अनेक गांवों का दौरा किया। पंचायत समिति लूणी क्षेत्र के नारनाड़ी गांव के इंदिरा कॉलोनी में सेवाभावी मोहन लाल जैन और मेघवाल समाज के महासचिव हेमाराम नारनाड़ी के नेतृत्व में मुख्य अतिथि लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई के मुख्य अतिथि में बच्चों को स्वेटर, मिठाई और टॉफी बांटकर नया साल धूमधाम से मनाया गया। इसी के साथ में विधायक बिश्नोई ने अनेक गांवों का दौरा किया, जहां पर समस्त ग्रामवासियों ने विधायक बिश्नोई का भव्य स्वागत किया। और विधायक बिश्नोई ने कहा कि नई सोच और बड़े ही उत्साह और जोश के साथ लक्ष्य बनाकर लगन से कार्य करें। और बिश्नोई ने नए साल पर भी सभी को शुभकामनाएं दी है और ग्रामीण वासियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने का विधायक बिश्नोई ने आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। एडीजी के निर्देशानुसार वाहन चेकिंग करते समय थाना धनाई के उपनिरीक्षक कमलेश सिंह चेकिंग कर रहे थे, उसी समय बाइक पर कमल और उमेश अवैध तमंचा चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिए गए। इनकी निशानदेही पर ग्राम कीरतपुर के पास वाली प्लांट के खंडहर में 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। पुलिस ने इनके पास से 8 अदद मोटरसाइकिल, एक नाजायज देसी तमंचा, 315 बोर और 2 अदद कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी बरामदगी करने वाले पुलिस टीम SHO रविंद्र प्रताप सिंह, कमलेश सत्यवीर सिंह के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। उत्तर प्रदेश में जिला संभल के तहसील संभल में समाधान दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय को लाइट की परेशानी को लेकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बिजली की समस्या को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि 12 घंटों ही बिजली आ पाती है, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट का सामान निर्यात होने में समस्या आती है। बिजली की कटौती के कारण गरीब मजदूरों को रोटी रोजी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बार पहले भी माननीय मुख्यमंत्री और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल को ज्ञापन दिया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वर्तमान विधायक नवाब इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल का कहना है कि अगर लाइट की व्यवस्था सही नहीं होती तो ये हमें एक बड़ा आंदोलन करने में कोई मजबूरी नहीं उठानी पड़ेगी।
भीलवाड़ा में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में कैशियर द्वारा करीब 2.5 करोड़ रुपए भागने का मामला सामने आया है। जी हां, प्रबंधक धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि बैंक कैशियर राजेश कुमार करीब 14 वर्षों से बैंक में कार्यरत था। कल बैंक में जांच करते समय 2.51 करोड़ रुपए कम पाए गए। कल पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। इस मकले पर मुकदमा दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह कैशियर राजेश शर्मा जयपुर के रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार वह कई दिनों से कुछ राशि बैंक में एक स्थान से अलग रूप से ले रखा था, जिसकी जानकारी भी नहीं हो पाती थी। सोचनीय विषय वाली बात यह है कि बैंक में डेली कैश वेरिफिकेशन के बावजूद इतनी बड़ी राशि का गबन कैसे हो गया। मामले को लेकर बैंक प्रबंधन की भी लापरवाही मानी जा रही है। हालांकि मामले में सीसीटीवी खंगालने का प्रयास अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जोधपुर में इंदौगाबाद से नक्तबन्ना मंदिर तेजासर की ओर से जाने वाले 7 किलोमीटर निर्माणाधीन सड़क के बीच में बिजली पोल लगा होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि इस सड़क पर गेवल का निर्माण कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन इस पर अभी सिर्फ कंक्रीट बिछा कर डामरीकरण करना ही शेष रह गया है। लेकिन इस बिजली पोल को हटाए बिना डामरीकरण कर दिया तो सड़क के बीच खड़ा पोल हादसे का शिकार बनेगा। वार्ड पंच राजू सिंह भाटी ने बताया कि ग्रेवल सड़क के बीचों बीच लगा बिजली पोल एक ठेकेदार की अंधेरी से रह गया था, लेकिन इस सड़क का कार्य पिछले 2 माह से चल रहा है। इस निर्माणाधीन सड़क पर कंक्रीट बिछाने और डामरीकरण करने की तैयारी चल रही है, लेकिन ग्रेवल सड़क के बीच बिजली का पोल आज भी लगा हुआ है। शेषकर रात के समय अंधेरा होने पर मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन चालकों को इस पोल से कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। धौलपुर जिले के सेपऊ थाना क्षेत्र स्थित तमिसो गांव में 9 वर्ष पर एक घर में मातम छा गया। जी हां, 45 वर्षीय अधेड़ की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सुबह जब नववर्ष के अवसर पर घर का एक बच्चा पैर छूने के लिए जैसे ही मृतक राकेश के कमरे में पहुंचा तो वहां कमरे में धुआं उठता देख वह हक्का बक्का रह गया। चीखने चिल्लाने लगा तो बच्चे के चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंच गए तो राकेश को चारपाई से जली हुई अवस्था में देखा तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने घटना की सूचना सेपऊ थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए सीएचसी मोर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच गहनता से कर रही है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सोने से पहले राकेश ने धूम्रपान किया था, तभी जलती हुई बेड़ी से बिस्तर में आग लग गई और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। और राम मंदिर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले दिन कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर अध्यादेश का फैसला कानूनी प्रक्रिया होने के बाद ही लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस बयान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत किया है। संघ की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि हमें प्रधानमंत्री का बयान एक सकारात्मक कदम लगता है। संघ ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री का अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर बनाने के संकल्प का अपने साक्षात्कार में पुनः स्मरण करना है। यह भाजपा के पालमपुर अधिवेशन यानी कि 1989 में पारित प्रस्ताव के रूप में हुआ था। संघ ने कहा कि जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए बहुमत दिया, इस कार्यकाल में सरकार वह वादा पूर्ण करे, ऐसी भारत माता उनकी अपेक्षा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जल्द राजस्थान में रैली होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पत्रकारों को बताया कि कर्ज माफी को लेकर राजस्थान में किसानों के उत्साह का माहौल है। प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कर्ज माफी की घोषणा कर दी गई है। यूपीए सरकार के वक्त भी किसानों का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ था।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जब 3.5 लाख करोड़ रुपए 15-20 उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकती है तो किसानों का कर्जा माफ करने में मोदी सरकार पीछे क्यों हट रही है। उन्होंने कहा कि जब तक पीएम मोदी किसानों की कर्ज माफी की घोषणा नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यह मांग करते रहेंगे। राजस्थान में रैली के जरिए भी कांग्रेस अध्यक्ष यह मांग रखेंगे। और राजधानी जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में दूध वितरण का कार्यक्रम रखा गया जिसमें सभी को दूध पिलाकर नववर्ष का आगमन किया गया। गुंजन शर्मा ने बताया कि नए साल के अवसर पर हम सभी ने प्रण लिया है कि इस साल हम दारू और नशे की चीज को छोड़कर दूध से नववर्ष मनाएंगे। गुंजन शर्मा ने बताया कि देश निर्माण के लिए यूथ को मानसिक रूप से भी मजबूत होना रहेगा। हम देश की सेवा और समाज को मजबूती तभी दे सकते हैं जब मानसिक विकारों वाली सोच को दूर रखें। आपको शराब और विसंगतियों से बचाकर ही देश हितार्थ के लिए कुछ किया जा सकता है। हार्दिक अभिनंदन, सोमानी जी का स्वागत कर रहे हैं, उनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन स्वागत। क्योंकि 14 वर्ष, कृपया शांति बना के रखिए, पंडाल में ज्यादा भीड़ नहीं करें और बाहर जो खड़े हैं वो दूध लेने के बाद में लाइन बना के रखिए, लाइन से दूध लीजिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सत्यमेव न्यूज़।